विधानसभा चुनाव नज़दीक है, चुनाव की तिथि भी घोषित हो गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रसार में जुट गई हैं। इसी क्रम में प्रयागराज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शहर उत्तरी विधानसभा में गलियों में जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग किया। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क बांटा और सैनिटाइज करने की सलाह दी। उन्होंने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए वोट भी मांगने का काम किया। लगातार चुनाव प्रचार की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर कर रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुंद तिवारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहर उत्तरी जाकर पार्टी के लिए वोट मांगने का काम किया। इसके साथ साथ कांग्रेस की नीतियों के बारे में लोगों को बताया। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और कांग्रेस को वोट करिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता सब यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों की यही नीति है, प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा को हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता आज गली मोहल्ले में आकर के सिर्फ प्रचार करने का ही काम कर रहे हैं। कोविड का भी हमको नियमों का पालन करना है, पार्टी की नीतियों को आगे पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को बेनकाब करना है। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता आज जन जन तक जा रहे हैं, गली मोहल्ले चौक चौराहों में जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम कोविड का भी पालन कर रहे हैं।